हेलो भाई लोगों, यह है जीण माता का प्रवेश द्वार और अपन जा रहे हैं जीण माता के। तो भाई ब्लॉग एंड तक देखना, मजा आने वाला है पूरा जीण माता के यहाँ पे। और हम भी पहली बार जी दोस्तों एक और ब्लॉग में स्वागत है। आज जा रहे हैं हम जीण माता के मंदिर में जो कि शिखर में पड़ती है। फिलहाल हम आ चुके हैं जीण माता के यहाँ पे द्वार की तरह से निकल के सीधा आ रहे हैं और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे मंदिर किस तरह से बना हुआ है और कौन सी जगह पे है, वो सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो ब्लॉग को एंड तक देखना, मजा आने वाला पूरा। तो गाइस सब ले रहे हैं यहाँ से हम प्रसाद और मनोज भाई ले रहे हैं और अब जाएंगे जीण माता के। और ये देखिए इधर अपने कपिल भाई है और सामने देख रहे हो आप यहाँ से पूरा हम पैदल पैदल जाने वाले हैं। हमारी गाड़ी उधर खड़ी है और अब चलते हैं जीण माता के इधर। और आज पहली बार आया हूँ मैं जीण माता के इधर। हाँ जी भाई लोगों, ये यहाँ की आसपास की दुकान है जीण माता की और ये मंदिर का स्टार्ट होता था यहाँ से, इसका एरिया पूरा। और भाई अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, एक वाइब्स आती है ना कहीं पे अपन जाते हैं अपन और अपने रिलीजन में कहीं पे जाते हैं अपन तो एक अलग सी वाइब्स आती है, मतलब पॉजिटिविटी रहती है। और बाकी दिखाते हैं आपको इधर का, और जो कि शिखर में पड़ती है जीण माता और बहुत सारी एग्ज़ाम्स वगैरह में आती है। तो आज अपने भाई को अपन टीचर के लिए अपन स्कूल अलॉट करवाने के लिए यहाँ पे आए थे और रेड में तो उसको छोड़ के आ गए वहाँ पे, उसको स्कूल चॉइस करनी है और अपन आ गए जीण माता के यहाँ पे। तो भाई लोगों पहुँच चुके हैं जीण माता के यहाँ पे और अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और आप देख सकते हो ये है इस तरह यहाँ गेट और चलिए आपको लेके चलते हैं और दर्शन करवाते हैं यहाँ के जीण माता के मंदिर के। जय माता दी। तो गाइस जीण माता की कहानी ये है कि जीण माता का जन्म जो हुआ था वो राजा गंग के यहाँ पे हुआ था और उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था हर्ष। एक बार की बात है कि जीण माता और हर्ष की जो वाइफ है उनके बीच में एक शर्त हुई थी कि जो हर्ष है वो किससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और जब वो दोनों नदी में से अपना जो मटका भर के लाई तो कौन सबसे पहले हर्ष उनका घड़ा उतारेगा। तो भाई गलती से जो हर्ष था उसको पता नहीं था इस बात का कि इन दोनों के बीच में क्या शर्त लगी है। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले अपनी वाइफ का घड़ा उतार लिया। इस बात से नाराज होकर जीण माता जो है वो पहाड़ी पे जाके मतलब वहाँ पे हो गई और उस अपने भाई से रूठ गई। लेकिन जब बाद में पता चला उसके भाई को हर्ष को तो वो भी वहीं पे जाके मतलब तपस्या करने लगे। तो जब जीण माता का जो मंदिर है उसके वहीं पे हर्षनाथ का जो मंदिर है वो उसके नीचे ही है। और ये है जीण माता का मंदिर, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। ये इसकी कहानी है, काफ़ी सालों 1200 सालों पहले की जो ये है जीण माता का मंदिर यहाँ पे बना हुआ था। तो ये सारी इसकी कहानी है और आप ये जो देख रहे हो ये है मंदिर और इसके जो जितने भी पिलर है ना ये सारे चांदी के बने हुए हैं भाई। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये मंदिर है और पहाड़ियों के चारों तरफ से ये बना हुआ है। अगर आप आओगे तो सिक्कर से अराउंड 20 से 25 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा और जयपुर से 106 किलोमीटर के आसपास ये देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये मंदिर के आसपास की चीज़ें हैं वो सारी। और आपको कैसा लगा और आप अब लेके चलते हैं आपको जो हर्षनाथ का जो मंदिर है ये देख रहे हो आप सामने। इस जगह पे हर्षनाथ ने मतलब अपनी तपस्या की थी और यहाँ पे मंदिर बना हुआ है उसका भी। और ये उनकी मतलब भाई की याद में ये इस जगह बना हुआ है मंदिर। हर्षनाथ को भी काफ़ी पूजते हैं यहाँ पे। और ये जो माता जी है ये आसपास के राजपूत देख लो या फिर मीणा कम्युनिटी और बहुत सारी कम्युनिटी के ये मान्यता है और इस मंदिर को बहुत सारे लोग मानते हैं भाई। और जीण माता को और हर्षनाथ का जो ये मंदिर है सभी लोग इसको मानते हैं, हर्षनाथ भैरव जो इसको बोलते हैं। और अपनी बहन की याद में ये भी वहीं पे रह गए थे, तपस्या करने लगे थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। और ये अब वापस से जा रहे दर्शन वगैरह करके, हम भी यहाँ पे पहली बार आए थे, बाकी हमने किताबों में ही पढ़ा था ये सारी चीज़ें। तो अच्छा लगा होगा, आप भी कभी आए नहीं हो तो आप जा सकते हो इस जगह पर। और ऐसी मान्यता है कि जो भी इसका काजल लगा रहता है उसकी आंखें मतलब सही हो जाती है मतलब इससे। तो ये सारा मंदिर का प्रांगण है और दर्शन वगैरह करके अब निकल रहे हैं वापस से सिक्कर के लिए। और आई होप अच्छा लगा हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जितना हो सके दबा के। अब जा रहे हैं वापस से अपने घर की ओर और पहले जाएंगे सिक्कर उसके बाद निकलेंगे जयपुर, क्योंकि बहुत दूर से आए थे अपन। लोग अपन दर्शन वगैरह करके आ गए और
इतिहास में सिर्फ हमने बुकों में पढ़ाया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था और उनके भाई वगैरह की जो समाधि है, मतलब वो जहाँ पे तपस्या करते थे, वो सारी चीज़ें हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। आज हम यहाँ पे मंदिर में आ गए और देख लिया अपन ने पूरा, और भाई बहुत अच्छा लगा। हमारे चक्कर में आनंद सिंह हुआ, साथ में है मनोज भाई और आगे जा रहे हैं अपन कपिल भाई। तो भैया जी अभी यहाँ पे दर्शन वगैरह करके अब वापस से जा रहे हैं, और फिर अपने किशन भाई जो है वो उधर जल्दी से ज्वाइनिंग के लिए करेंगे जॉब के लिए अपनी, और फिर उनको उठा के और फिर निकलेंगे खाटू श्याम जी के लिए। तो ये था अपने जीर्ण माता का एक छोटा सा ब्लॉग, और आई होप अच्छा लगा हो आप सबको, और सपोर्ट करना, प्यार दिखाना भाई लोगों, और कभी आओ इधर सिक्कर साइड में तो ज़रूर जाके आना जीर्ण माता के। तो बैठ गया मैं गाड़ी में भाई, ताती पड़ गई गाड़ी पूरी भयंकर वाली, ठंडी चलो भैया चलो। ये इनके कुछ चौसले हो रहे हैं फोटो के भाई, बहुत ब्लैक आ रही है, काली आ रही है, गंदी गंदी एकदम। फिलहाल हम सिकर में, और ये है शिक्षा नगरी, कोटा के बाद में दूसरा ही राजस्थान का एक शहर है जहाँ पे एजुकेशन को इतनी मतलब वो देते हैं, जहाँ पे अपना आईआईटी वगैरह इनकी कोचिंग वगैरह बहुत फेमस है इधर, जैसे सीएलसी हो गया, बहुत सारी और भी कोचिंग है। और अपने अपने भाई को यहाँ पे ज्वाइनिंग यही मिली है सिक्कर में, और यहाँ के आसपास के गांवों में मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे वो भी, तो हमारा भी एक योगदान रहेगा इसमें शिक्षा के उसमें। तो साथियों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप अच्छा लगा होगा आपको। तो आ गए अपन वापस सिक्कर में, तो भाई वीडियो को दबा के शेयर कर देना और सपोर्ट कर देना अपने भाई को, और अब पी रहे हैं चाय पे, और उसके बाद निकलेंगे जयपुर के लिए। तो थैंक यू सो मच और लव यू सभी को।